अनूपपुर जिले में शोभापुर अपर नर्मदा बांध परियोजना को लेकर पुष्पराजगढ़ विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत दमेहड़ी में किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां भारी तादाद में किसानों का रोष देखने को मिला। इसमें अपर नर्मदा बांध परियोजना शोभापुर खेत गांव से प्रभावित ग्राम पंचायतों के ग्रामीण किसान सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि किसान महापंचायत की बैठक में पुष्पराजगढ़ विधायक और सांसद को भी बुलाया गया था, लेकिन सांसद नहीं आए। बांध निर्माण को निरस्त किए जाने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम SDM पुष्पराजगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि अपर नर्मदा बांध परियोजना शोभापुर खेत गांव के बने जाने से प्रभावित किसान जो यहां के मूल निवासी हैं, जिनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर आधारित है, इसीलिए यहां पर बांध ना बनाया जाए, क्योंकि यह क्षेत्र गोंडी परंपराओं का क्षेत्र है, हम अपनी विरासत नहीं खोना चाहते। आखिरकार महिलाओं और किसानों में काफी रोष दिखने के बाद पुष्पराजगढ़ SDM और अपर नर्मदा बांध परियोजना कार्यालय कार्यपालन यंत्री को झुकना ही पड़ा और सर्वसम्मति से अपर नर्मदा बांध परियोजना के निरस्तीकरण का प्रस्ताव पास हुआ। वहीं लिखित में फैसला अपने पक्ष में आने के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। आज की बैठक में क्या नतीजा निकला पंचायत महासभा में? पंचायत महासभा में आज की ये निकला कि आज जो है शोभापुर अपर नर्मदा बांध निरस्तीकरण के लिए SDM साहब लिखित में दिया और ई साहब जो नर्मदा विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने भी लिखित में दी कि आज तारीख से जो है नर्मदा बांध नहीं बनेगा, जब तक जो है ग्राम सभी की अनुमति नहीं होगा तब तक किसी प्रकार के निर्माण का बांध निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो लिखित में दिए हैं कभी काल उस पर स्टे लगा के अगर कार्य चालू किया जाता है तब आप क्या करेंगे? कार्य चालू किया जाता है तो सड़क पर बैठ जाएंगे और आंदोलन जो है भारी हरकम, आज 50,000 जनसंख्या के बीच में जो है हम रोड जाम कर देंगे। लगभग कितने गांव जो है डूब क्षेत्र में आ रहे थे? लगभग यहां जो है 27 पंचायत हैं और गांव कहेंगे इसमें तो गांव जो है कम से कम नहीं 50-60 गाँव पड़ सकते। क्या शुभ नाम है आपका? शिवचरण सिंह नेता हूँ। आज महापंचायत की सभा बैठी थी दमेहड़ी में, किस उद्देश्य से बैठी थी? सर ये मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में, मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और किसान संघर्ष मोर्चा की मैं संरक्षक भी हूँ। जो अपर नर्मदा बांध परियोजना शोभापुर बन रहा है उसकी मैं संरक्षक होने के नाते इस आज की जो महापंचायत थी उसके बारे में मैं सभी जनता जनार्दन व आपको अवगत कराना चाह रही हूँ कि जो ये हमारा क्षेत्र डूब में आ रहा है इसको शासन प्रशासन तुरंत वापस ले, हम इस बांध का निरस्तीकरण चाह रहे हैं। अभी बैठक में क्या निष्कर्ष निकला? जैसे का अधिकारी भी रहे, निष्कर्ष निकला कि जो अपन नर्मदा बांध जो ई आए थे उन्होंने लिखित में और साथ में SDM साहब ने भी लिखित में दिया है कि ये जैसा आप लोग अगर निरस्तीकरण चाह रहे हैं तो ये बांध नहीं बनेगा, निरस्त होगा। लिखित में कुछ कागज दिए हैं आपके पास? लिखित में दिए हैं उन्होंने।